हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग, आज मैं ट्रेन में ही कर रहा हूँ। आज मेरा दूसरा दिन है ट्रेन में, जो कि काफ़ी थक चुका हूँ कल से ज़्यादा आज, क्योंकि कल रात भर में अच्छे से सो नहीं पाया। 150 रुपीज में मेरे को ये थाली इंडिया रेलवे की तरफ से दिया गया। हम लोग अभी पहुँच गए हैं झांसी रेलवे स्टेशन पे, तो सुबह सुबह ही ट्रेन रुका है। हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली, और ये भैया हमको स्टेशन बता रहे हैं मेट्रो स्टेशन का, तो वो रहा मेट्रो स्टेशन। तो हम लोग पहली बार मेट्रो में बैठने वाले हैं, तो ये रहा मेट्रो स्टेशन आगे, तो उधर लिफ्ट लगा है, उधर से जाएंगे। मेट्रो स्टेशन के अंदर पहुंच चुके हैं, ये कुछ नज़ारा है देख सकते हो आप लोग। टिकट तो बुकिंग हो गया है, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा है किधर ट्रेन आएगा। बोल रहे हैं इधर मेट्रो आएगा, तो अभी थोड़ी देर में दो मेट्रो जा चुका है, कि तीसरा वाला मेट्रो शायद हमारा। जैसे ही मेट्रो से उठा भैया को बोला मेरे को ये वाला लोकेशन पे जाने का है, बाहर छोड़ दो। तो दिल्ली में एक और देखो अभी से 15 अगस्त का पेपर चल रहा है, तो दिल्ली सिटी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसीलिए सोचता था कि सौरभ जोशी क्यों गाड़ी में आते हैं, क्यों बाइक पे नहीं आते। दिल्ली में इतना ज़्यादा धूप है, और भैया बोले मेरे को भी पानी पिलाओ, जहाँ पे पानी पीते हो मेरे को भी बहुत प्यास लगा है भाई। मैं 3 बजे दिल्ली पहुँच गया, और मेट्रो से पूरा 1 घंटा लगा रूम को, पूरा लास्ट स्टेशन था मेट्रो में, तो एसी चल रहा था इसीलिए दिक्कत नहीं हुआ। जैसे ही मेट्रो से निकला इतना ज़्यादा गर्मी, क्या ही बताऊँ, दिल्ली में इतना गर्मी होता है। और घर पे भी मैंने फ़ोन किया था, तो घर पे बोले कि बारिश हो रहा है, गांव में उड़ीसा में बारिश हो रहा है, और यहाँ पर इतना गर्मी, पता नहीं यार लोग कैसे रहते हैं। बारिश होगा तो थोड़ा पूरा इलाका ठंडा ठंडा लगता है, लेकिन यहाँ तो बारिश होगा भी तो पूरा इलाका गर्म। जैसे ही एसी से निकला ऐसा लगा, और ट्रेन में बड़ी दिक्कत है स्लीपर में। रेलवे वाले से निवेदन है कि ये चीज़ को कोई भी आके चैन खींच दे रहा है, और ट्रेन कहीं भी रुक रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरी बात, स्लीपर टिकट में आप जाते हैं रिजर्वेशन में, तो क्या होता है जब आप रायगढ़ क्रॉस करते हो, तभी कुछ बंजारे आ जाते हैं सब्जी लेके कहीं से आ जाते हैं, और स्लीपर टिकट रिजर्वेशन के सीट पे बैठ जाते हैं। उनको आप बोल भी नहीं सकते हो कि ऐसा करो वैसा करो। तो ट्रेन में ये बड़ी दिक्कत थी, तो मेरे को बहुत मतलब बुरा लगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे से कुछ नहीं बोल पाता था, सीट के पास बगल में बैठते थे। तो ये निवेदन है कि रेलवे वाले से नहीं तो यह ट्रेन थोड़ा लंबा करे, नहीं तो सीट थोड़ा बढ़ाई, ये दोनों चीज़ करना चाहिए। पूरा दिमाग का दही बन गया, आज मैं सोया नहीं अच्छे से, अभी सो के उठ रहा हूँ, अभी बज रहे हैं 6। तो दोस्त के रूम पे आया, दोस्त का रूम यहाँ मेट्रो से 20 किलोमीटर दूर है, तो 20 किलोमीटर दूर। फिर रैपिडो भी किया, रैपिडो में 300 रुपया दे, 300 रुपया ने रूम के नीचे आके छोड़ा। और भाई रास्ते में पानी पीने के लिए रुका, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी से प्यास लगी थी, वो भाई बोले फिर मैं पानी पीऊँगा, फिर उनको एक बार पानी पिलाया, फिर भाई को थोड़ा ठंडक मिला होगा, बहुत गर्मी, हेलमेट लगाया था, मेरे तो दम घुट रहा था यार। इसीलिए मैं सोचता हूँ सौरभ जोशी क्यों कार में आते हैं दिल्ली, अपन तो इतने बड़े यूट्यूबर हैं नहीं जो कार में आएंगे, तो अपने के लिए ट्रेन का सफ़र करना पड़ा। तो कल जाने का है, दो प्रोग्राम है, कल एक भाई का एडमिशन करवाने का है, और दूसरा जी 900 देखने जाने का है भाई। ये सबसे बड़े टेंशन है, आज रात 12 बजे ही निकल जाएंगे। उन दोस्त गया है ड्यूटी के, उसके रूम पे मैं रुका हूँ, तो वो रात 11 बजे ही आ जाएगा। तो आज के ब्लॉग के यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग जिन जिन भाइयों दिल्ली से कहीं से भी देख रहे हो, पूरा ऑल इंडिया से, आप सबको दिल का धन्यवाद। वीडियो देखते हो यार लाइक कर दो, आपकी छोटे से लाइक मेरे को मोटिवेट करता है, तो फटाफट से लाइक कर दो। और चैनल पे नहीं तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाने का है, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ। आज तो मेरा पेट भी ख़राब हो गया है, तो आज का ब्लॉग को यहीं पर मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में।